तुम्हें कौन भाभी पड़ छ बयस गोटे झीओ आम पा मार स्नेह ममता दे पार मम्मी से यही बयस माँ शब्द अर्थ कौन बुझ पमोशन से सेंटीमेंट सी कौन जापर ना बुझीपर से दुष्टामी से अली अड़ताली कौन से सही पार ना से सुख दुख से निजक सामिल कर मम्मी कौन मो जीवन में मो पा जीवन में कवितार अभाव को पूरण कर मोर विश्वास आनी निश्चय पार अरे जो झील निजे माँ हो पार निशा ऋषि आस्था को निज कोल को टाणी नवार स्वप्न देखुची आखिर आम धन सम्पत्तिर लोभ ना कि तो भली गोटे वयस्क स्वामी को बाहा है जीवन को उपभोग करिवार आसक्ति भी ना आखिर मार ममता को मु स्पष्ट देखि पार्छि दीपंकर से झीर मनस्तत्व निश्चय उन्नत तार भावना निश्चय महत् से आम कवितार अभाव को निश्चय पूरण करे कौन संदेह ना तुम बोध ठीक कह मम्मे मो मन भी सेमती धारणा थी अच्छे भी जो मुझे प्रस्ताव में राजी किंतु मम्मी मुझे देख ली घरे प्रस्ताव रे ता बापा माँ भाई भौनी ता पीसी नानी कहीं भी राजी ना गोटे परिस्थित रे आनी कौन से निष्पत्ति विरुद्ध ठीक हम ठीक हम कि भूल हम से निष्पत्ति नवार अधिकार तो केवल आनीर किंतु वर्तमान परिस्थित रे आम पाखे केवल गोटे बाट अच्छी आनीर फोन को अपेक्षा एत बड़ निष्पत्तिटा तू जब नहीं सारु ताल मो मुहर तू पदे कथा शुणि रखिता ए बाघर तोर मंगल देखिपारे से हाथ उठे तो माड़ मारी शासन करें कि घर तो बाहर कर दे पारे किंतु एक तेज स्पष्ट कर दे से बाघर मु कि मो स्त्री कि मो पा कहीं भी जोग देमित से बाघर को कहीं भी जड़े आखि उठे देखे ब्लैंकेट धरे कड़े जाऊ ड्राइंग रूम रे सोइबा को तो रास्ता आ मो रास्ता अलग दीदी मो पाई आ अलग बेडरूम तो नहीं बाध्य ही मते ड्राइंग रूम रे ही एथर सोइबा को पड़िबो पिंकी रागी छु दीदी उपरे तो दीदी उपरे तोर टिके भी विश्वास नहीं विश्वास तो थिला जहार बहुत बड़ा फायदा तू उठे नेलु अंध भली आम समस्त तो कथा मानि नथिलु दीदी जहाँ तो पार्टी बाहर थिला आम साई बाबा मुख निसृत बाणी बोली भाबि नथिलु अरे मु तो मो संग मानक आगरे चारियाडे कहि बुलथिली मो दीदी होची मो आदर्श
ताको समस्ते फॉलो करिबा उचित। हेले तू तू कौन कलु शेषे विश्वास कर पिंकी, जहां मु करिछि बाबा आदेश रही करिछि। बंद कर दीदी, बाबा बाबा कही तो आमको ढेर दिन हला अंधारे रखिलुणी। तो पाखरे आओ बेसी समय रहिले मु पूरा अणनिश्वास ही जीवी। I hate you दीदी, I hate you। पिंकी तू दीदी के कथा कहुचु? दीदी बहुत बड़ा स्वार्थ पर भाई, ता स्वार्थ आगरे ना बापा बड़ा ना माँ बड़ा और ना ही निशा और मो भीतर थिबा फ्रेंडशिप बड़ा। समस्त को अशांति करी तू कहीं गोटे एत बड़ निष्पत्ति नेलु दीदी? तू कौन भावुचु तू दीपंकर को बाहेले निशा मते पिंकी छाड़ी मौसी बोली डाकिब, आउ मु ता डैडी को अंकल छाड़ी जीजू बोली डाकिबी? किए कहा को कौन डाकिब से कथा इम्पोर्टेंट नुहे पिंकी, सबुठ बड़ कथा हला दीदीर परिस्थिति। ता परिस्थिति पाई से निजे दाई, किंतु ए समय रे आमे समस्त ताको सपोर्ट करबा उचित। गुटे स्वार्थ पर को सपोर्ट करबा मो जात करे नहीं। पिंकी तो दीदी जो भाई हाथ से राखी बांधिला बेले से सारा जीवन मोर रक्षा कवच ही रहिबो बोली कथा देथला, आज तोरी पाई ताहा तो मो काल उपर को उठी गला। मु एठियो मुहूर्ते भी रहिबा पई चाहुनी दीदी, मुहूर्ते भी नुह। केही तोते बुझी न पाले भी मु तोते ठीक बुझी छी दीदी, तो ऊपर हमर गभीर भरोसा और विश्वास अछि। सारा दुनिया तो विरुद्ध रे ठिया हेले भी दीदी मु तो सांगरे अछि, यदि मुड़ रे मु तो पाके रे थिबी आउ यही हाथ रे मो भौनी को विदा करिबी। Yeah.
गला बेले लाइट बंद करके जीव डैडी डैडी। कहो। तुम्हें भल भाव जान डैडी या भितर आम परस्पर ठार के दूरे जाइे कथार बार्तार चली चलन आचार व्यवहार में तुम्हें बहुत बड़ कंजूस हो जाइ डैडी मम्मी गला परे बदले आम दिज आज प्रथम थर पर गोटे जगार ढड़ा हो कथा हो मिस यू डैडी आई मिस माय मम्मी टू नहीं नहीं बिल्कुल है सही थी पहन तो निशा से तो मो इच्छा न था भी मो जन को बाहर जाऊे और सेटा खास तुम माना तुम मान जीवन मम्मी अभाव को दूर करने गोटे निष्पत्ति मुझे तू भल भाव जाच मत तो मम्मी को मम्मी को मुझे भल पाए भूल अजन को बाह बा भाई कठोर निष्पत्ति ना मो के कष्टर हो तू से भल भाव बुझी पार हाँ बुझी पार डैडी बुझी पार के बड़ स्वार्थपर हो जाइ तुम्हें मम्मी चलीगला काले आम मान दायित्व तुम कांध को भारी पड़ से तुम जाशु आ गए नुआ मम्मी हाथ में आम दायित्व को टेक दौ निशा नुआ मम्मी को सारा दुनिया कौन कह जान डैडी सबतमा आ सबतमार रूप तो मत तुमको बुझाक पड़बन ना डैडी निशा ट्राई टू अंडरस्टैंड तू जमी भावु आनी से झील नुहे डैडी आम मम्मी आमको छाड़ी चली जाइंट एक सत से फोन थरे फेरी आसी आमको तंगा कोळो को टाणी नेबेनी एकथा भी सत आ एकथा भी सत आम मम्मी परे परे धीरे धीरे आम डैडी भी आमठार दूरे जाउचेंदी नाही निसा नाही बिल्कुल नहीं सेमती काही भावुछु
दिन राति तो मुझे तमन को कथा ही चिंता कर डैडी को रूम को जीवा को अनुमति नहीं डैडी को खाइबा छुईया को अनुमति नहीं डैडी को पाखु को जीवा को अनुमति नहीं डैडी आम मम्मी मरी जाइछंती बोली आमे अनाथ नुहे आमको आउ गोटे नुआ मम्मी दरकार नहीं डैडी आमको आम डैडी दरकार आमको तमे दरकार डैडी नुह आम मम्मी मरी जाइछंती बोली आमे अनाथ नुहे आमको आउ गोटे नुआ मम्मी दरकार नहीं डैडी आमको आम डैडी दरकार आमको तमे दरकार डैडी आउ केही नुह ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ତୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇସାରିଲୁଣି ତାହେଲେ ମୋ ମୁହଁରୁ ତୁ ପଦେ କଥା ଶୁଣି ରଖିଥା ଏ ବାହାଘରରେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିପାରୁନି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତୋତେ ହାତ ଉଠେଇ ତୋ ମାଡ଼ ମାରି ଶାସନ କରିପାରିବିନି କି ଘରୁ ତୋ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୁଁ ତୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ ସେ ବାହାଘରରେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ କେହି ବି ଯୋଗ ଦେବେନି ସାରା ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ ଜାଣିଛ ଡାଡି ସାବତ ମା ଆଉ ସାବତ ମାର ରୂପ ତ ମତେ ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନା ଡାଡି ତୋ ପାଖରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବି ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ ଦିଦି ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ ଦିଦି ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାଇ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରେ ନା ବାପା ବଡ଼ ନା ମା ବଡ଼ ଆଉ ନାହିଁ ନିଶା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବଡ଼ ଡାଡିଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ଡାଡିଙ୍କ ଖାଇବା ଛୁଇଁବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ଡାଡିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ସାରା ଦୁନିଆ ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଲେ ବି ଦିଦି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବେଦି ମୂଳରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଥିବି ଆଉ ଏଇ ହାତରେ ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ଭଉଣୀକୁ ବିଦା କରିବି ଡାଡି ଆମ ମମି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନାଥ ନୁହେଁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମମି ଦରକାର ନାହିଁ ଡାଡି ଆମକୁ ଆମ ଡାଡି ଦରକାର ଆମକୁ ତମେ ଦରକାର ଡାଡି ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେନି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ କହିଦେବି ଅନନ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି